हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज जो होती है वो मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप के सेल से मिलके बनी हुई होती है। तो क्योंकि अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है उसी को पढ़ेंगे। तो देखते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्या होती है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज इज़ द पार्ट ऑफ पैनक्रियाज विच सीक्रेट डिफरेंट हॉर्मोन्स इन द ब्लड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होती है वो पार्ट होता है पैनक्रियाज का जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स का सिंथेसिस और सीक्रेशन करती है ब्लड के अंदर। जो आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपनी सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालती हैं बिना किसी डक्ट या फिर किसी ल्यूमन की हेल्प से। तो एंडोक्राइन पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाज का वो पार्ट जो कि एंडोक्राइन सेल से मिलके बना होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस और सीक्रेशन करता है ब्लड के अंदर। ये जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो होती है वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स की बनी हुई होती है। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर। जो आइलेट ऑफ पैनक्रियाज के अंदर जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। वो कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो मेनली चार टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। पहला अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और पीपी सेल्स। ये चार टाइप के सेल्स होते हैं जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बने प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा सेल्स क्या होते हैं। अल्फा सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20-25% पार्ट ऑफ एन आइलेट। जो अल्फा सेल्स होते हैं जो कि अल्फा सेल्स जो होते हैं वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का 20-20% पार्ट है वो फॉर्म करता है। दे सिंथेसिस एंड रिलीज ग्लूकागोन हॉर्मोन। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करते हैं। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है एक हाइपरग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ये जो हार्मोन होता है वो एंटागोनिस्ट होता है इंसुलिन हार्मोन के, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है जो कि मेन हार्मोन होता है पैनक्रियाज का वो हाइपोग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन होता है, और ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो हाइपरग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन होता है। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिर्फ एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है, और जो सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज का जो अपटेक है उसको बढ़ा देता है। तो जो ग्लूकागोन हार्मोन और जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। ये दोनों हार्मोन भी एक दूसरे के साथ मिलके बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जब भी कभी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसका मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ग्लूकोज भी जो है ब्लड के अंदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो अराइज़ हो सकती है। तो इसलिए जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन है वो भी जो बॉडी का नॉर्मल होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कि जब कभी भी अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, तो उस टाइम पे इंसुलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज करने के लिए। वो कैसे, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो सेलुलर अपटेक है ग्लूकोज की वो उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होकर सेलुलर लेवल पर चला जाता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब भी कभी हाइपोग्लाइसीमिया जो कि एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया अराइज हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से डिक्रीज होना, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया अराइज हो जाता है तो उस केस के अंदर ग्लूकागोन हार्मोन और दूसरे हमारी बॉडी के अंदर और भी दूसरे हार्मोन होते हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिक नेचर के हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये मेन रोल होता है ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर।
ये जो कि अल्फा सेल से सिंथेसाइज और रिलीज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आर द मेन सेल्स ऑफ एन आईलेट। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60-65% पार्ट ऑफ एन आईलेट ऑफ लैंगर। हैंस दे सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन विच इज़ द मेन हार्मोन ऑफ द पैनक्रियाज। जो बीटा सेल्स होते हैं वो आईलेट ऑफ लैंगर हैंस सेल्स का मेन पार्ट बनाते हैं। ये जो होता है 60-65% पार्ट जो होता है आईलेट ऑफ लैंगर हैंस का, उसको फॉर्म करने का काम करते हैं बीटा सेल्स। ये जो होते हैं मेन हार्मोन पैनक्रिया एंडोक्राइन पैनक्रियाज का, जो मेन हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा सेल्स। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन के जैसे ही, इंसुलिन हार्मोन भी हमारी बॉडी की ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि इकलौता ऐसा हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज कर देता है। बाकी जितने भी हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। अल्फा सेल्स दे आर अबाउट 10% टोटल मास ऑफ द आईलेट। जो 10% पार्ट बनाने का काम करते हैं अल्फा सेल्स आईलेट ऑफ लैंगर हैंस का। दे सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन जो अपना फोर्थ सेल्स आते हैं वो है पीपी सेल्स। दे फॉर्म लेस देन 5% पार्ट ऑफ टोटल आईलेट ऑफ लैंगर हैंस। ये जो पीपी सेल्स होते हैं वो 5% से भी कम पार्ट बनाते हैं आईलेट ऑफ लैंगर हैंस का। दे सीक्रेट पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंस। इसका जो मेन फंक्शन होता है इन पीपी सेल्स का वो अभी तक अननोन है, लेकिन ये माना गया है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंस है वो सीक्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं All these four type of cells of islet of Langerhans are connected by junctions so that each cells can affect the functioning of other cells directly. It is called as paracrine control. इसका मतलब ये है कि जो islet of Langerhans के जो चारों cells होते हैं वो एक दूसरे से एक junction की थ्रू connected होते हैं आपस में। तो मतलब एक cell का जो एक type of cell का जो hormone होता है वो दूसरे type के cell के hormone का level को decrease कर देता है, या फिर उसके effect को उसके secret को अफेक्ट करता है। वो कैसे, जैसे कि है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या है, हाइपरग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन है, बल्कि जो इंसुलिन है वो हाइपोग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन है वो शो करते हैं। तो ये एक दूसरे के सीक्रेशन को इफेक्ट करेंगे कैसे, क्योंकि जैसे अगर जो ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा है और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगा। अगर हाइपरग्लाइसीमिया अराइज होगा तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल रेंज से अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो होगा वो ग्लूकागोन हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज कर देगा, अफेक्ट करके डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से एक दूसरे के जो सीक्रेशन, एक टाइप का सेल है वो दूसरे टाइप के सेल के सीक्रेशन को अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं पैराक्राइन कंट्रोल। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन पैनक्रियाज। एंडोक्राइन पैनक्रियाज सीक्रेट द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन होते हैं जो कि एंडोक्राइन पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, इसमें फर्स्ट है इंसुलिन हॉर्मोन, सेकेंड वन ग्लूकागोन हॉर्मोन, थर्ड वन सोमेटोस्टेटिन हॉर्मोन। सबसे पहले जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है वो है इंसुलिन हॉर्मोन। इंसुलिन इज़ द मेन हॉर्मोन ऑफ पैनक्रियाज। इट इज़ सीक्रेटेड बाई द बीटा सेल्स ऑफ आईलेट ऑफ लैंगर हैंस। इट इज़ ए पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन कंटेनिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इंसुलिन हॉर्मोन जो होता है वो मेन हॉर्मोन होता है पैनक्रियाज का। आपको पता ही है कि इंसुलिन हॉर्मोन जो होता है हाइपोग्लाइसिमिक नेचर का हॉर्मोन होता है। ये जो होता है ऐसा हॉर्मोन जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक हॉर्मोन ऐसा होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, बाकी कि जितने भी हार्मोन होते हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया कोज करते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आईलेट ऑफ लैंगर हैंस की बीटा सेल से सिंथेसिस और रिलीज करवाया जाता है। ये जो हार्मोन होता है पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है। ये जो तब प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है, इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड है वो चेन प्रेजेंट होती हैं। एक्शन देखते हैं इसका।
इंसुलिन इज द ओनली हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन इन अवर बॉडी. इट एक्ट ऑलमोस्ट ऑल अवर बॉडी सेल्स. इट मेन टारगेट ऑर्गन आर लीवर एंड मसल्स एंड एडिपोज सेल्स. जो इंसुलिन हॉर्मोन जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक नेचर का हॉर्मोन होता है, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है. इट एक्ट ऑन ऑलमोस्ट ऑल ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो भी ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया और इंसुलिन हार्मोन हो गया. हमारी बॉडी के अंदर ये तीन ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं और अपना जो मेन फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं. तो इस तरीके से जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करता है और अपना एक्शन है उसको शो करता है. इसके जो मेन टारगेट ऑर्गन होते हैं वो लीवर की मसल्स और एडिपोज सेल्स होते हैं. इसका अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है. इसमें देखते हैं फर्स्ट वन, इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय पेरिफेरल सेल्स. इट स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ ग्लूकोज टी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सो दैट ग्लूकोज कैन एंटर इनटू द बॉडी सेल्स स्पेशली इनटू द मसल्स लीवर एडिपोसाइट्स. इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट शो करता है इंसुलिन. इंसुलिन है वो पता है अपने को, इंसुलिन है वो हाइपोग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन होता है. अब ये हाइपोग्लाइसीमिया कैसे कोज करता है कि ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट, सबसे पहले क्या होता है डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है और लास्ट में फिर मेटाबॉलिज्म होता है. तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर आ जाता है. तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहेगा. तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस ग्लूकोज को सेलुलर लेवल पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ग्लूकोज टी, जिसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं. ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह हेल्प करता है, जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सेलुलर लेवल पे, जिससे वहाँ पे ग्लूकोज का जाने के बाद ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है जिससे एटीपी एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है. तो अब का ये क्या करता है इंसुलिन हार्मोन, ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है सेलुलर लेवल पे, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है. सो दैट ग्लूकोज कैन एंटर इनटू द बॉडी सेल्स स्पेशली इन द मसल्स लीवर एडिपोज. इसलिए जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है वो ट्रांसपोर्ट होकर सेलुलर लेवल पे चला जाता है, जैसे कि मसल्स हो गए, लीवर हो गए, एडिपोसाइट्स सेल्स हो गए ऐसे. नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑन द लिपिड मेटाबॉलिज्म. अब लिपिड मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट शो करता है इंसुलिन वो देखते हैं. इंसुलिन इनहिबिट द लिपिड ब्रेकडाउन. इंसुलिन जो होता है वो लिपिड के ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देता है और जो लिपिड के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है जिसको अपन लिपोलाइसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है. क्यों? क्योंकि लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो लिपिड के ब्रेकडाउन से जो फ्री फैटी एसिड बनते हैं उन फ्री फैटी एसिड से ग्लूकोज है उनका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाया ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाई जाती है. नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन सी होगी, लिपिड और प्रोटीन. लिपिड और प्रोटीन इन दोनों से क्या करवाया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाया जाता है. तो लिपिड का जब लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो फ्री फैटी एसिड बनते हैं, उन फ्री फैटी एसिड को यूज़ किया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए. तो ये जो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो लिपोलाइसिस है लिपिड का ब्रेकडाउन है उसकी प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, जिससे फ्री फैटी एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे लिपिड के मेटाबॉलिज्म पे अपना इफेक्ट है वो शो करता है इंसुलिन हार्मोन. नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इंसुलिन हेल्प इन द प्रोटीन बायोसिंथेसिस ऑफ स्टोरेज. इट इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. सेम ऐसे कि जो इंसुलिन जो होता है प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसको उसके फॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे प्रोटीन का स्टोरेज करवाने में हेल्प करता है. दूसरा जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है उसको भी इनहिबिट कर देता है, जैसे सेम लिपिड मेटाबॉलिज्म के जैसे कि क्या कर रहा है लिपोलाइसिस को क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है. इसके अंदर भी जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या नहीं हो सके ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन ना हो सके. और अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से क्या होगा
ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ होने से रोकने के लिए ये क्या करेगा, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है उसी को डिक्रीज़ कर देगा, जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया है वो अराइज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कैसे अपना इफेक्ट है वो शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंसुलिन अलोंग विद ग्रोथ हार्मोन हेल्प इन द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो फेवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के जैसे ही ये इंसुलिन हार्मोन है वो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है जिससे बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हो सके। इफ़ेक्ट ऑन बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स पे कैसे अपना इफेक्ट है वो शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाय कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व्स ब्लड वेसल्स हार्ट आईज ब्रेन एक्सेट्रा। तो जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन कंट्रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले सबस्ट्रेट कंट्रोल जिसके अंदर आता है सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ ग्लूकोज व्हेन ब्लड शुगर लेवल आर लेस देन 80 mg/80 mg%, देन इंसुलिन सीक्रेशन इनहिबिट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो ग्लूकोज के लेवल से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो 80 mg/100 से कम हो जाएगा तो उस टाइम पे जो इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता रहेगा तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 80 mg/100 हो जाता है तो उस टाइम पे जो इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो इनहिबिट ना हो। दूसरी तरफ अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 120 mg/100 से ज़्यादा, अगर उसी तरह सेम ऐसे तो इंसुलिन काम करता है, ऐसे इंसुलिन का कंट्रोल होता है, सेम ऐसे ही अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 120 mg/100 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो अराइज हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैराक्राइन कंट्रोल। सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज डायरेक्टली इनहिबिटेड बाय द ग्लूकागोन और एंड सोमेटोस्टेटिन ऑफ अल्फा सेल्स एंड गामा सेल्स ऑफ आईलेट ऑफ लैंगरहैंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराक्राइन कंट्रोल। पैराक्राइन कंट्रोल मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि जो पैराक्राइन कंट्रोल का मतलब होता है कि एक टाइप का जो सेल है वो दूसरे टाइप के सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है, तो उसको अपन बोलते हैं पैराक्राइन कंट्रोल। अगर क्या हो रहा है, अगर इंसुलिन का सीक्रेशन होए जा रहा है तो अगर क्योंकि अगर इंसुलिन का सीक्रेशन होए जा रहा है तो इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो ज़्यादा नॉर्मल रेंज से कम नहीं होना चाहिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर। तो उस टाइम पे अगर सीक्रेशन हुआ जा रहा है तो जो ग्लूकागोन जो कि हाइपरग्लाइसीमिक नेचर का हार्मोन होता है वो इंसुलिन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम। आईलेट ऑफ लैंगरहैंस आर सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दे रिसीव बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स। ये सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसको नर्व सप्लाई होती है, जिससे इसका जो सीक्रेशन है वो कंट्रोल होकर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इनहिबिट द इंसुलिन लेवल व्हाइल पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द इंसुलिन सीक्रेशन। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा वो तो इंसुलिन के लेवल को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा वो क्या कर देगा, इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के ग्लूकोज के बॉडी के अंदर ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जब भी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है 80 to 120 mg/100 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग,
तो जब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि इंसुलिन का सीक्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को अब अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है कि उस बढ़े हुए लेवल को कम करना है। तो उस टाइम पर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होंगी वो स्टिमुलेट कर देंगे किसके लिए, इंसुलिन हॉर्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे इंसुलिन हॉर्मोन है वो सीक्रेट होगा और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है उस बड़े वे लेवल को डिक्रीज करने का काम करेगा इंसुलिन हार्मोन। पर जब कभी भी जब इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हुए जा रहा है और ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा डिक्रीज हो गया, नॉर्मल रेंज से भी नीचे चला गया ग्लूकोज का लेवल, तो उस टाइम पे क्या है, रिक्वायरमेंट है कि इंसुलिन का जो सीक्रेशन है उसको डिक्रीज किया जा सके। क्योंकि उस अगर कंटिन्यूसली इंसुलिन का सीक्रेशन होता रहेगा तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया सिचुएशन है वो अराइज हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो सिंपैथेटिक नर्व होगी वो इंसुलिन हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगी। तो इस तरीके से जो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन और सीक्रेशन की और जो उसके सीक्रेशन की इनहिबिट होने की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये अपन ने देखा इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लुकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन इज़ ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच इज़ सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इट इज़ एन एंटी इंसुलिन हार्मोन विच इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है जो कि अल्फा सेल से सीक्रेट होता है और सिंथेसिस होता है। अल्फा सेल जो कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट होते हैं, ये जो होता है ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है एंटी इंसुलिन हार्मोन होता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट एक्शन है वो शो करते हैं। तो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है, इस वजह से इस हार्मोन को हाइपरग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन बोला जाता है। अब अपन इसका एक्शन देखते हैं। सबसे पहले एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय पेरिफेरल सेल्स। इट इनहिबिट हिपेटिक ग्लूकोजेनेसिस। इट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस। अब ये क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कैसे बढ़ाएगा, सबसे पहले जो ग्लूकोज का अपटेक होगा ना पेरिफेरल सेल्स के पास उसको इनहिबिट कर देगा कि ब्लड से जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा सेलुलर लेवल पे। जब ग्लूकोज है वो सेलुलर लेवल पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होगी ग्लूकोज, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इट इनहिबिट हिपेटिक ग्लूकोजेनेसिस। ये क्या करेगा, इट इनहिबिट हिपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या करेगा, जो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसकी प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा। इट स्टिमुलेट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये जो होगी ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कर देगा जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। ग्लूकोज का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इट स्टिमुलेट द ग्लूकोजिनोलाइसिस। ये क्या करेगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। नेक्स्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये जो होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको ब्रेकडाउन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है। ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, तो जो स्टोर फॉर्म होगी ग्लूकोज को कि उसकी उस ग्लाइकोजन की जो है ब्रेकडाउन है उसको इंक्रीज कर देगा जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो होगा। नेक्स्ट है बी इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट शो करता है, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ लिपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यूज। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो
लिपिड मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करेगा, कि जो एडिपोज टिश्यू है एडिपोज टिश्यू के अंदर ये लिपोलाइसिस करवाएगा, फैट का ब्रेकडाउन करवाएगा, जिससे फ्री फैटी एसिड बनेंगे। अब फ्री फैटी एसिड बनेंगे तो फ्री फैटी एसिड को यूटिलाइज़ किया जाता है किसके लिए, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सके तो उस वजह से ये क्या करवाएगा, लिपोलाइसिस करवाएगा एडिपोज टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबोलिज्म। ग्लूकोजन इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ अमीनो एसिड इन द ब्लड सो दैट ग्लूकोनेजेनेसिस स्टिमुलेट। इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकागोन हार्मोन जो होगा वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट शो करता है, ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो उन अमीनो एसिड को ग्लूकोनेजेनेसिस की प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा, जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंट्रोल ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट कंट्रोल। सबस्ट्रेट कंट्रोल क्या होता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल अबो नॉर्मल इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, वाइल डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। सेम एज द इंसुलिन की तरह ही होता है सिमिलरली, कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल रेंज से, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम पे जो ग्लूकागोन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाएगा तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज का सीक्रेशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट कंट्रोल। नेक्स्ट वन आता है पैराक्राइन कंट्रोल। पैराक्राइन कंट्रोल सेम होता है, पैराक्राइन कंट्रोल का मतलब होता है कि एक टाइप का जो सेल है वो दूसरे टाइप के सेल की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि एक टाइप के सेल का जो हार्मोन होता है वो दूसरे टाइप के सेल के हार्मोन की सिंथेसिस और सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। कि एक है वो हाइपोग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन होता है और एक हाइपरग्लाइसिमिक नेचर का हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन आपस में मिलके जो बॉडी का जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो अपना लास्ट और थर्ड हार्मोन देखते हैं पैनक्रियास का, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इट इज सीक्रेटेड बाय द गामा सेल ऑफ आईलेट ऑफ लैंगरहैंस। इट्स एक्शन इज सिमिलर टू द GHRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन। ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है ये गामा सेल्स से रिलीज करवाया जाता है। इस हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन के। ये जो हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस से मेनली दो टाइप के हार्मोन रिलीज सीक्रेट होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। तो GHRIH जो होता है वो इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये जो हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। तो सोमेटोस्टेटिन है वो सिमिलर इसके जैसा ही एक्शन शो करता है कि ये जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन और दूसरा इंसुलिन हार्मोन के सीक्रेशन और रिलीज को इनहिबिट कर देता है। तो ये आपने देखा एंडोक्राइन पैनक्रियास के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ तक ज़रूर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी एक और ग्लैंड है छोटी सी, जो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी इज वेरी स्मॉल ग्लैंड विच लाइज इन द ब्रेन। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द डायूरिनल वेरिएशन अकरिंग इन अवर बॉडी। पीनियल ग्लैंड जो होती है स्मॉल ग्लैंड होती है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है। ये जो ग्लैंड होती है जो राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर होते हैं, दोनों हेमिस्फेयर के बीच में सिचुएटेड होती है। ये जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायूरिनल वेरिएशन। डायूरिनल वेरिएशन का मतलब होता है कि डे टाइम पे जो भी वेरिएशन अकर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पीनियल ग्लैंड। तो जो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो स्लिप पैटर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सर्केडियन रिदम होती है, सर्केडियन रिदम जो स्लिप पैटर्न साइकिल होती है उसको बोलते हैं अपन सर्केडियन रिदम। तो उस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने का काम करती है पीनियल ग्लैंड। अब अपन सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज़ ए रेडिस ग्रे कलर्ड ग्लैंड विच इज़ अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। इट इज़ अबाउट 5 to 8 mm in साइज।
इट इज़ लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो रेडिस ग्रे कलर की होती है, जो कि अबाउट ग्रेन राइस के साइज की जितनी होती है, 5 to 8 mm की होती है। इट इज़ लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन की जो मिड लाइन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो दोनों हेमिस्फेयर होते हैं उसके बीच में सिचुएटेड होती है, बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल। अब पता है हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होती है, दोनों हेमिस्फीयर के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में सिचुएटेड होती है, और थर्ड वेंट्रिकल में बिहाइंड में प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड रिसीव नर्व सप्लाई बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट रिसीव बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स। इसको जो ये जो होती है सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है इसको, जिससे इसकी एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है। अब उसके बाद अपन देखते हैं इसके हार्मोन के बारे में। पीनियल ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन, दिस हार्मोन हेल्प इन कंट्रोलिंग द डायूरिनल वेरिएशन एंड ऑल्सो इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन टिल प्यूबर्टी। दिस हार्मोन ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टू सम एक्सटेंट। इट इन्फ्लुएंस द सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कंट्रोल ऑफ मेलाटोनिन सीक्रेशन अकर बाय द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ब्रेन थ्रू द नर्व स्टिमुलेशन फ्रॉम रेटिना टू द आई। अब देखते हैं जो पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है उसका जो सीक्रेशन है वो डिपेंड करता है डार्कनेस के अंदर। जब डार्कनेस होगी तो डार्कनेस के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और लाइट के अंदर जब लाइट पड़ेगी अपने रेटिना के ऊपर, तो वहाँ पे जो रेटिना है वहाँ पे लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स है वो सिग्नल देते हैं किसको, पीनियल ग्लैंड को। जिस सिग्नल मिलेगा पीनियल ग्लैंड को, और जो मेलाटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो डार्कनेस के अंदर तो मेलाटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जो लाइट के प्रेजेंस में जो मेलाटोनिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो है डिक्रीज हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है मेलाटोनिन हार्मोन। दूसरा जो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो दूसरे हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी के, अदर हार्मोन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो हमारी बॉडी के जो दूसरे हार्मोन होते हैं, जैसे कि FSH हो गया, LH हो गया, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन होते हैं उन सब के लेवल को नॉर्मल रखने का काम भी रेगुलेट उन सब के लेवल को रेगुलेट करने का काम भी करती है पीनियल ग्लैंड। तो जब भी अपन नाइट में जब अपन सो जाते हैं तो उस टाइम पे जो पीनियल ग्लैंड होती है वो ऐसी ग्लैंड होती है जो कि एक्टिव रहती है, बाकी सभी हार्मोन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो पीनियल ग्लैंड है उसके हार्मोन का लेवल है वो इंक्रीज रहता है, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे लेवल दूसरे हार्मोन के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये छोटी सी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है स्लीप पैटर्न के लिए, जिसको सर्केडियन रिदम होती है। सर्केडियन रिदम जो स्लीप पैटर्न की जो साइकिल होती है अपनी, डे नाइट जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। तो उस साइकिल को कंट्रोल करने का, मेंटेन करने का काम करती है पीनियल ग्लैंड। थैंक यू, आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी।